बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना चना चाट बनाने का तरीका। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी मिकदार में लिए हैं चने। अब मैंने थोड़ी सी मिकदार में इसमें मिक्स किए हैं बारीक कटे हुए आलू, बारीक कटी ग्रीन मिर्च, बारीक कटे हुए टमाटर और बारीक कटा हुआ प्याज। अब मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हसब ज़रूरत नमक, थोड़ी सी रेड मिर्च और चाट मसाला। इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी ग्रीन चटनी, ये पुदीने और धनिया की चटनी। लास्ट में मैंने इसमें डाला है इमली और टाटरीस, उसमें मिक्स करके उसका पानी। जी दोस्तों, अब रेडी है हमारी चना चाट। इसमें मैं पे थोड़ी सी पुदीने की चटनी और मिक्स करूंगी। चटनी की रेसिपी मैं बाद में आपके साथ शेयर कर दूँगी, और उसके साथ ही मैं थोड़ा सा इमली का पानी आप बाद में ऐड कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। इमली के पानी में मैंने थोड़ी सी टाटरी मिक्स की है और थोड़ा सा नमक मैंने मिक्स की है। दही मिक्स कर सकते हैं, दही इसमें आप हसबे ज़रूर डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी, जितना आपका टेस्ट है। जी दोस्तों, अब तैयार है हमारी जायकेदार चना चाट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाज़िर होंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह।